शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे सोने और चांदी में। तो नॉन एग्री में सोने चांदी में देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो चमक है लगातार बढ़ती ही जा रही है। सोना चांदी एक के बाद एक नए रिकॉर्ड हाई लगाता नजर आ रहा है, अपने उच्चतम स्तर के बेहद करीब ट्रेड करता नजर आ रहा है। गोल्ड देख रहे हैं कि 2064 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1% की बढ़त है। सिल्वर $27.3 पर ट्रेड कर रहा है, 1.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर अपने रिकॉर्ड हाई से बस कुछ ही पॉइंट की दूरी पर है। गोल्ड ने साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान $2,075 का हाई लगाया था, अब $2,065 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। मात्र $10 की दूरी है नया रिकॉर्ड अपने पुराने रिकॉर्ड को छूने से और नया रिकॉर्ड बनने से। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर गोल्ड सिल्वर क्या यहां से अभी और तेजी की ओर जाएंगे? क्या गोल्ड यहां से एक नया उच्चतम स्तर फिर दिखाएगा? जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। रूपा जी देख रहे हैं कि गोल्ड जो 2020 में $2,075 का लेवल दिखा चुका था, अब उसके बेहद करीब आ चुका है। $2,065 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है इस वक्त, मात्र 10 पॉइंट की दूरी है रिकॉर्ड हाई टच करने से एक बार फिर से। आपको क्या लगता है, क्या सोना एक बार फिर से नया उच्चतम स्तर बनाने के लिए तैयार हो चुका है यहां से? देखिए बिल्कुल, जो ये तेजी है ये कंटिन्यूशन में है अखिलेश, और जिस तरीके से अभी रशियन ऑयल इंपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा दिया गया है और उसका सीधा असर इन्फ्लेशन पर पड़ने वाला, और इन्फ्लेशन के चलते गोल्ड के अंदर डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सेफ हेवन डिमांड, और इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टर्स का रुझान जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बढ़िया एसेट क्लास अभी ये माना जा रहा है। और जो हाई है अब बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि ये जो पीछे हाई लगे थे वो हाई ब्रेक होते हुए नजर आ सकते हैं। सोना जो है वो 56,000 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कल एक अच्छी रैली आई है, देर शाम हमने देखा था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $2,075 के ऊपर ट्रेड होते हुए सोना दिखाई दिया, और अभी भी मार्केट काफी अच्छी तेजी के साथ अब $2,100 का लेवल छूटा हुआ नजर आ सकता है। और हमारे डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 56,600 से लेकर 56,800 की फिलहाल रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। और वहीं अगर यहाँ पर चांदी को देखें तो अखिलेश मुझे लगता है कि चांदी भी 75,000 का स्तर छूती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अभी सभी जगह पर अगर देखा जाए जो अनसर्टिनिटी देखने को मिल रही है उसकी वजह से सभी का रुझान अभी फिलहाल जो इन्वेस्टर्स है, जो बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स है, वो सब सोने और चांदी में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से सोना और चांदी लगातार नए रिकॉर्ड बनाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अभी भी पोटेंशियल है सोने के अंदर, और 56,000 का स्तर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट दिखला सकती है। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से सोने चांदी में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, उस हिसाब से रूपा जी के अनुसार सोना चांदी आने वाले समय में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सोने चांदी को नया रिकॉर्ड हासिल करने में। 2020 में सोने ने इंटरनेशनल मार्केट में 2075 और डोमेस्टिक मार्केट MCX पर 56,200 का रिकॉर्ड हाई बनाया था, अब उनके बेहद करीब ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे भी पूरी पूरी आशंकाएं बन रही हैं, ऐसे पूरी संभावना है कि सोना अपने ये जो रिकॉर्ड हाई है वो तोड़ के एक नया रिकॉर्ड हाई और बना दे। रूपा जी, गोल्ड सिल्वर में हमने देखा है कि अक्सर ऊंची स्तरों पर भले ही वायदा के अंदर इक्विटी मार्केट्स में गोल्ड में तेजी देखने को मिलती हो, लेकिन इसका थोड़ा बहुत नुकसान हाजिर कारोबारियों को भी देखने को मिलता है, क्योंकि ऊंची दरों पर हर कोई सोना खरीदने से बचता है। अगर कोई कंज्यूमर है तो वो जितना सोना पहले खरीदना चाहता था, अब सोने की कीमतों बढ़ने के चक्कर में वो उतना सोना नहीं खरीद पाता है, जिसकी वजह से उनको जो हाजिर कारोबारी है उनको अपना सोना डिस्काउंट पर बेचना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे में हाजिर कारोबारियों को भी मुनाफा हो सकता है सोने चांदी के अंदर? क्या हाजिर कारोबारियों को आगे डिस्काउंट पर ही बेचना पड़ेगा, या फिर ये जो वायदा में तेजी है उसका फायदा हाजिर कारोबारियों को भी मिलेगा? देखिए जहां तक इन्वेस्टर की बात है, कंज्यूमर एंड कंज्यूमर की बात है, वो डेफिनेटली एंड कंज्यूमर जो है जब प्राइसेस हाई हो जाते हैं तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, जहां तक हाजिर कारोबारियों का बात है, उनके पास ऑलरेडी स्टॉक रखा हुआ होता है और वो डेली बेसिस पर भी हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर लगातार बाइंग करते दिखाई देते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा कोई नुकसान होता है, क्योंकि उनके पास काफी इन्वेंट्री भी बिल्डअप होती है जो काफी निचले स्तरों पर बाइंग की हुई होती है। अब इस टाइम पर क्योंकि देखिए एंड कंज्यूमर की डिमांड तो कम रहती है, ये इन्वेस्टर की बाइंग है,
यहाँ पर जो तेजी देखने को मिल रही है इन्वेस्टर्स की बाइंग की वजह से बाजारों में एक उछाल दर्ज किया जा रहा है, लेकिन जिनके पास स्टॉक रखा हुआ उनके लिए काफी बेनिफिट रहता है ये, इसमें बहुत ज्यादा कोई नुकसान वाली बात नहीं है। हाँ, डिस्काउंट पर हो सकता है कि वहां पर माल थोड़ा बहुत हाजिर बाजारों में निकालना पड़ता है क्योंकि डिमांड को जनरेट करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा कोई डिस्काउंट नहीं रहता है प्राइसेस के अंदर। और अभी जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में तो फिलहाल मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी ही ज्यादा दिखाई दे रही है सोने और चांदी के अंदर, और प्राइसेस में कहीं भी कोई ईज ऑफ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी,